हम आज आपको वो जगह दिखाते हैं जहाँ पे पुरातत्व विभाग ने खनन किया और कुछ यहाँ पे साक्ष्य मिले जो चावल की खेती के प्रमाण मिलते हैं। और इस कड़ी में एक यहाँ पे कुआं भी मिलता है जिसकी जो यहाँ पे लोगों ने स्थानीय लोगों ने। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ धर्मेंद्र पांडे और आप देख रहे हैं गाँव गाथा। दोस्तों, जो हमारी रूटीन पत्रकारिता है जिसमें हम खोजी पत्रकारिता करते हैं, उसी की कड़ी में आज हम ऐसे ऐतिहासिक जगह पे आ पहुँचे हैं। वो जगह इस रिसर्च से पहले, एक खोज से पहले दुनिया इसको जानती ही नहीं थी। लोग अनभिज्ञ थे यहाँ से कि यहाँ पे कुछ ऐसा मिल सकता है, लेकिन इस रिसर्च के बाद ऐसा यहाँ पे क्या मिला जो पूरी दुनिया की, पूरे विश्व की निगाहें इस स्थल की तरफ आ गईं। तो इस कड़ी में हमारे साथ एक अध्यापक हैं, आपका नाम है, आपका शुभ नाम है हीरालाल त्रिपाठी जी, जिनसे हम इस ऐतिहासिक जगह के बारे में आज जानेंगे और आपको दिखाएंगे, आपको बताएंगे कि ये जगह इतना महत्वपूर्ण क्यों बन गई। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे, और हम दर्शकों को दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि इसका ऐतिहासिक महत्व क्या है इस जगह का। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके चैनल का कि कम से कम छिपी हुई चीज़ों को उभारने का आप लोग प्रयास कर रहे हैं। ये ग्राम राजस्व ग्राम है, जगदीशपुर उर्फ लहुरा देवा, 60 में लहुरा देवा नाम से इसे पुकारते हैं। ये स्थान नेशनल हाईवे 28 पर एक जगह है भुजैनी, वहाँ से 4 किलोमीटर दक्षिण में है। यहाँ समय जी का एक स्थान है जो देखने में पठारी भूभाग जैसा दिखता है। यहाँ पर हम लोग जब बचपन में इसी रास्ते पैदल पढ़ने जाया करते थे तो सुनते थे कि यहाँ बड़ी माया है, लेकिन माया का अर्थ हम लोग निकालते थे कि संभवतः यहाँ पैसा हो, धन हो। लेकिन इतना भय लोगों के मन में था कि अगर यहाँ का धन और पैसा कोई उपयोग करेगा तो उसका विनाश हो जी, ऐसी जाएगा। किंवदंती रही है ऐसी यहाँ पे। किंवदंतियाँ रही जी हैं, बस इतना हम लोग प्राइमरी, हम लोग इंटरमीडिएट की शिक्षा तक इतना ही जानते रहे। जी लेकिन मेरे गांव के ही गोरखपुर विश्वविद्यालय के पुरातत्व और इतिहास विभाग में थे कृष्णानंद त्रिपाठी जी, जी हम लोगों से सीनियर थे। तो वो इतिहास के विद्यार्थी थे, यहाँ आते थे तो यहाँ जो खिपड़ी हम लोग यहाँ कहते थे, यहाँ जी जो टुकड़े थे कंकड़ पत्थर के, जी पत्थर तो था ही नहीं, यहाँ मृतभांड के टुकड़े थे जी जिसे जी खिपड़ी हम लोग कहते जी हैं, वो उसे उठाते थे, सीरियसली उसको देखते थे और ले जाके विभाग में चर्चा करते थे। धीरे धीरे ये आया कि तो बहुत पुरातन चीज़ें दिख रही हैं। जी मतलब वहां से इसकी नींव पड़ चुकी हाँ, थी इस बोर्ड वहाँ की। नहीं, उन्होंने इस चीज़ को उभारा। जी हकीकत यह है कि वो इतिहास की पृष्ठभूमि में है, जी इतिहास में उनका नाम नहीं आता है, लेकिन हकीकत यह है कि इस मुद्दे खोजी को खोजी प्रकृति के हैं। हाँ, खोजी प्रकृति के थे जी और इस मुद्दे को ज्वलंत उन्होंने ही बनाया। जी सारा श्रेय मेरी नज़र में तो उनको जाना चाहिए, जी उन्होंने इस चीज़ को हाईलाइट किया है जी स्थान को। और फिर इतिहास विभाग की तरफ से और बातें आगे बढ़ीं। बाद में पुरातत्व विभाग में डायरेक्टर थे डॉक्टर राकेश तिवारी, उनके नेतृत्व में कई बरसों तक यहाँ समय समय पर उत्खनन हुआ। ट्रेंच बना बना करके लोग खुदाई करते कराते रहे गांव सर सर के, वर्ष कौन सा रहा होगा वो? याद नहीं पड़ रहा। 2003 और 4 के आसपास हाँ, का। ऐसा ही कुछ था पहले जी ही। हाँ, ऐसा ही था। लगभग 6 वर्षों तक खुदाई हुई जी है, तो उसमें तमाम मृतभांड मिले थे, हड्डियों के तीर मिले थे और नीचे कुआं भी मिला था अनाज रखने के लिए। उस समय जो भंडार प्रचलित जी भंडार चलते थे, जी हम लोग जिसको डेहरा कहते हैं, उस तरह वो का भंडार भी, गृह भी मिला वो था। भंडार गृह भी मिला था। जी और खुदाई में यहाँ पर धान की भूसियाँ मिली। जी भूसियाँ क्या मतलब, वो भूसियाँ तो जल चुकी थी लेकिन जी उससे कार्बन डेटिंग उन्होंने कराई जी और उससे पता ये चला कि ईसा पूर्व 9 से 9,500 वर्ष पूर्व यहाँ धान की खेती होती थी। जी धान की खेती होती थी, स्वाभाविक है कि यहाँ लोग बसते थे बिल्कुल और बड़ी पुरानी सभ्यता के अवशेष यहाँ मिले। प्राप्त हुए हैं।
इस चीज़ को उन्होंने विभिन्न लेखों में भी प्रकाशित किया, अमर उजाला ने भी पूरा एक पेज इस पे निकाला था कभी। तो मतलब ये बहुत मतलब ये स्थिति तो इसकी ये रही कि डॉक्टर राकेश तिवारी इस प्रयास में लगे रहे कि हम इसे इस स्थान को विश्व का पहला स्थान घोषित करें जी। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय लेबोरेटरीज में जब टेस्ट हुआ तो उसमें ये एक नंबर पर नहीं दूसरे नंबर का स्थान हो गया। इससे पुरानी सभ्यता के अवशेष चीन में मिले हैं जी। मतलब धान की खेती के मामले में, तो धान की खेती विश्व में सबसे पहले अगर कहीं है तो चीन में है, उसके बाद अगर विश्व का कोई दूसरा गांव है तो ये गांव है जी। इस स्थिति से यह गांव विश्व का बहुत ही महत्वपूर्ण गांव है जी। इस आधार पर जो विद्यालयों में हड़प्पा मोहनजोदड़ो हड़प्पा की खुदाई, सिंधु घाटी की सभ्यता की खुदाई जो ईसा पूर्व 2500 से 3000 वर्ष पूर्व की है जी। उसे तो कोर्स आउट कर देना चाहिए। यहाँ की जो सभ्यता है जो विकसित थी उसको पढ़वाया जाना चाहिए, लेकिन सरकार की उपेक्षा या हम विभाग की उपेक्षा भी कह सकते हैं, जिसका परिणाम है कि ये चीज़ें हाईलाइट नहीं हो पा रही हैं। इसके पूर्व जो सांसद थे यहाँ से आदरणीय श्री शरद त्रिपाठी जी, उन्होंने इसके लिए काफ़ी मेहनत किया था, लेकिन वो चीज़ें सब लेकिन अमली जामा पहनाने में वो नाकाम रहे। नहीं, वो लगे तो थे लेकिन तब तक उस पार्लियामेंट भंग हो गई। वर्तमान में ये सरकार का और न यहाँ के सांसद विधायक का किसी के जैसे कोई रुचि ही नहीं है जी, जी। तो ये इस तरह की महत्व की चीज़ें यहाँ हैं और मैं ये चाहता हूँ कि इस स्थान को विश्व स्तर पर स्थान मिलना चाहिए और इसे प्रकाश में लाया जाना चाहिए। इस अध्ययन को बच्चों के अध्ययन के क्षेत्र में जोड़ा जाना चाहिए सामग्री में, क्योंकि इसकी स्थिति तो ये है कि जो उच्च कक्षा जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, चाहे वो पीसीएस की हो, चाहे सिविल सर्विसेज की हो, चाहे वो अभी तो मुझे अच्छी तरह से याद है माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड आयोग जो बन गया है, उस समय ये प्रश्न पूछा गया था कि इस स्थान को गंगा घाटी मैदान कहते हैं कि गंगा घाटी मैदान में धान की खेती का सबसे पुरातन क्षेत्र कौन सा है जी। उसमें विकल्प में लहुरा देवा भी दिया गया था। ये क्वेश्चन अपडेट हो चुका है, अपडेट भी हो चुके हैं। ये तो जब ऐतिहासिक महत्व की चीज है तो इसे उसका स्थान मिलना चाहिए जी। हम आपके चैनल के माध्यम से सरकार से भी ये अपेक्षा करेंगे कि इसकी अब उपेक्षा न की जाए, अन्यथा हम विश्व में पिछड़ते चले जाएंगे जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस ऐतिहासिक स्थल पर अभी हम लोग बैठे हुए हैं वहाँ पे एक बहुत ही प्राचीन मंदिर भी है, समय माता का मंदिर, और इस मंदिर का भी अपना महात्म्य है। और इसके महात्म्य को जानने के लिए हमारे साथ या आप यहाँ के पुजारी जी हैं जिनसे मैं आपको रूबरू कराने जा रहा हूँ, और आपसे हम बात करेंगे, आपसे हम जानेंगे कि इस मंदिर का क्या महात्म्य है, कैसी महिमा है और क्या इतिहास रहा है इस मंदिर का। तो आइए हम स्वागत करते हैं बाबा जी का। बाबा जी, आप कुछ इस मंदिर के, माता जी का जो मंदिर है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ जानकारी दीजिए। ये मंदिर बहुत प्राचीन है जी। यहाँ पुरातत्व विभाग की खनाई हुई है जी। उसके दौरान में पता चला है कि मंदिर जो है 7000 पूर्व से पहले का मंदिर जी। ये माता जी का 7000 ईसा जी, ये माता जी का मंदिर है। यहाँ लोग आते हैं, अपनी मनौती मानते हैं, उनकी मनौती पूरी होती है जी। और लोग यहाँ कराही चढ़ाते हैं, कथा होता है, प्रवचन होता है, भागवत होता है, यहाँ लोग आते हैं और सब अपना जो है पूजा पाठ करते हैं, उनकी कामना पूरा होती है, माता सबकी पूरा करती हैं। यहाँ दूर दूर के लोग आते हैं। अच्छा, दूर दूर के लोग आते हैं, जैसे लंका, रूस, जापान, अमेरिका, लोग भी आते हैं। अमेरिका जी, अफ्रीका, इंग्लैंड, मतलब ये अंतर्राष्ट्रीय जगह। हाँ, यहाँ लोग देखने आते हैं, सुनते हैं बाहर में कि ये कौन स्थान है, कैसा है, तो लोग जैसे आप लोग आए हैं ऐसे लोग देखने आते हैं जी। लेकिन सरकार के तरह से यहाँ कुछ है जगह, हाँ उपेक्षित है, कुछ यहाँ मतलब देखने लायक नहीं, बस वही
पुरातत्व विभाग खन के चला गया, तब से कुछ यहाँ हुआ नहीं। तो इसके लिए आप सरकार से कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, सरकार से यही कहना चाहेंगे कि सरकार यहाँ की मरम्मत करे, देखे, अपना कुछ स्थान निर्धारित करे, कोई आवे देखे कि यहाँ सरकार का सामान है। जी हाँ, धन्यवाद। तो क्लोज कर देते हैं पे। हम आज आपको वो जगह दिखाते हैं जहाँ पे पुरातत्व विभाग ने खनन किया और कुछ यहाँ पे साक्ष्य मिले, जो चावल की खेती के प्रमाण मिलते हैं। और इस कड़ी में एक यहाँ पे कुआं भी मिलता है, जिसकी जो यहाँ पे लोगों ने, स्थानीय लोगों ने हमें बताया कि उसकी ईंटें जो हैं वो त्रिभुजाकार थीं। और उसके अलावा जब यहाँ पे हमने स्थानीय लोगों से बात किया तो उन्होंने ये बताया कि जो भी खुदाई हुई थी, जो भी उत्खनन यहाँ पे किया गया था, उसमें उन सारी चीज़ों को एक, उसको बाद में प्लेन कर दिया गया, लेकिन प्लेन करने से पहले उसको पूरी तरीके से सुरक्षित करने के लिए एक पॉलीथीन की लेयर बिछाई गई है। और हम लोग अभी उसी स्थल पे, उसी जगह पे, उसी स्थान पे खड़े हैं जहाँ पे ये उत्खनन हुआ था। और हमारे ठीक पीछे आप देख पा रहे होंगे, अभी तो ये फ़िलहाल प्लेन कर दिया गया, लेकिन मेरे ठीक पीछे वो कुआं अवस्थित है जिसमें एक नदी की धार भी मिली थी यहाँ पे। तो ये ऐतिहासिक रूप से काफ़ी समृद्ध जगह है लहुरा देवा गाँव। और हमारे ठीक पीछे आप कुछ दूरी पे एक ताल शायद देख पा रहे हो सकता है कैमरे की फ्रेमिंग में ना आ रहा हो, और जिसकी हम क्लिपिंग आपको बाद में दिखाएंगे। और इसके अलावा आपको, आइए हम ले चलते हैं पीछे की तरफ जगह, वो पूरा स्थान जहाँ पे वो उत्खनन किया गया था। आप देखेंगे हमारे साथ, देखिए ये पीछे पूरा का पूरा स्थल वही है जहाँ पे हम लोगों ने देखा कि उत्खनन यहाँ पे किया गया था। स्थानीय लोगों ने हमें बताया कि यहाँ पे पूरी तरीके से जो चीज़ें संरक्षित की गई हैं, अभी तो फिलहाल इस पे घास फूस उगाए हैं, लेकिन ये पूरी तरीके से सरकार के संरक्षण में है। लेकिन यहाँ पे स्थानीय लोगों से जब हमने बात किया तो उन्होंने सरकार से अपनी कुछ अपेक्षाएँ रखी हैं कि सरकार इस स्थल को उपेक्षित ना रखे। यहाँ भी एक टूरिज्म का विकल्प दिखता है, टूरिज्म का विकल्प यहाँ पे देखा जा सकता है। और आप देख पा रहे होंगे कैमरे में, यहाँ पे स्थल जो है काफ़ी हरा भरा है, यहाँ पे ग्रीनरी पूरी यहाँ पे दिख रही होगी आपको, और ये पेड़ पौधे यहाँ पे काफ़ी संरक्षित हैं। और सरकार को चाहिए कि इस दिशा में वो काम करें और इस जगह को पूरी तरीके से अपने पास वो संरक्षित रख के इस पर काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे गाँव गाथा और मैं हूँ धर्मेंद्र पांडे। हेलो, बाकी हम सब कर का है। मित्रों, जैसा कि लहुरा देवा गांव के ऐतिहासिक महत्व की बात अगर की जाए तो हमारे साथी धर्मेंद्र पांडे जी ने उसके ऐतिहासिक महत्व पर बड़े अच्छे से जानकारियां प्रदान की। मैं आपको बताना चाहूँगा कि लहुरा देवा अब प्रतियोगी परीक्षाओं का भी अहम हिस्सा हो चुका है और लहुरा देवा से जुड़े हुए प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और इसमें चाहे वो PCS की बात करें या सिविल सेवाओं की जो बात करें, स्टेट PCS की बात करें, इसमें इससे जुड़े तमाम प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। और मैं हाल में कुछ उदाहरण भी आपको देना चाहूँगा। जैसा कि एक प्रश्न पूछा जाता है कि दुनिया में सबसे पहले धान की खेती किस जगह पर की जाती है, उसमें जो ऑप्शन दिए जाते हैं उसमें लहुरा देवा का नाम शामिल होता है। तो आपको भी एक चीज़ याद रखनी होगी कि दुनिया में सबसे पहले जो धान की खेती शुरू की गई थी वो 9,500
वर्ष पूर्व लहुरा देवा से शुरू की गई थी और इसका इसकी जो जानकारी है बीरबल साहनी पुरातत्व विज्ञान संस्थान लखनऊ में है, उसके वैज्ञानिकों ने जो कार्बन डेटिंग होती है कार्बन डेटिंग के जरिए इसकी जानकारी दी है और इस पर तमाम शोध पत्र भी अवेलेबल हैं, उपलब्ध हैं।